हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दुर्गालाल। आज मैं एक नया वीडियो लाया हूँ। ऐसे तो बीच में बहुत दिनों के मैं वीडियो डाल नहीं पाया, थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आज एक नया वीडियो। वो वीडियो है शेर के बारे में। शेर मतलब ये शेर, ब्रास शेर, इसे आज अपना बाइक में फिक्स करेंगे। ऐसे तो ये तो शेर है हमारा बाइक, रॉयल एनफील्ड रिबॉर्न, जो कि बुलेट, तो ऑरेटो शेर उसके ऊपर लगाएंगे आज, डबल शेर होगा। तो चलिए आज इसे फिक्स करेंगे मडगार्ड के ऊपर, फ्रंट मडगार्ड यहाँ पर फिक्स करेंगे। देखिए तो दोस्तों, पहले से चेक करेंगे कि ये ब्रास है कि नहीं, तो इसके लिए मैं मैग्नेट लाया हूँ। देखिए मैग्नेट, इसे चेक करते हैं। देखिए नहीं, कोई आयरन कंटेंट तो नहीं। देखिए ब्रास का है या नहीं, देखिए तो ये ब्रास है। तो ऐसे ही इसका वेट भी देखेंगे कि कितना वेट है, 800 रुपीज़ का वैल्यू है कि नहीं इसका। तो चलिए इसका वेट चेक करते हैं। देखिए 0 ग्राम्स है। तो चलिए इसे वेट देखते हैं। देखिए चलिए इसका वेट कितना देखते हैं। देखिए 269 ग्राम्स है। इसे लगाने से पहले इसका सेंटर पॉइंट हम चेक करते हैं। देखिए चलो इसे साइड कर देते हैं। सिरिंज देखिए ऐसे खींच लिया, फिर इस तरफ खींच देंगे। देखिए बस ठीक है। अब इसे बीच पर सेंटर पॉइंट चेक करेंगे। देखिए कितना है, 14.4 है, मतलब आपका 7.2 इसका सेंटर पॉइंट, तो ये वाला है। देखिए ये है इसका सेंटर पॉइंट। देखिए तो यहीं पर लाइन मार देंगे हम। देखिए देखिए इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो इसका हम सेंटर पॉइंट ऐसे मार्क करना पड़ेगा। देखिए ये कोई परमानेंट मार्कर नहीं है, ये बोर्ड के ऊपर लिखने वाला, देखिए व्हाइट बोर्ड के लिखने वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिट जाएगा। तो ये है हमारा सेंटर पॉइंट। देखिए ये सेंटर पॉइंट हमारा। देखिए ऐसे ही इस तरफ कर देंगे। देखिए क्या लगाना है, तो इसे लगाने से पहले इसका भी हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। मेरे पास स्पिरिट लेवल है, तो इसे हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। देखिए इसे सेंटर मार्क करेंगे। देखिए सेंटर मार्क, देखिए यहीं पर हम अभी सेंटर मार्क करके इसे निकाल देते हैं। ये सेंटर पॉइंट देखिए, तो देखिए ये जो है, और इधर देखिए बस, इसे अभी हमको फिट करना है होल्स। देखिए ये बीच में, इसमें दो टो होल करना है, इसका दो टो स्क्रू दिया गया है, तो होल जहाँ करना है थोड़ा मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ पर होल है और यहाँ पर, तो ये दोनों जगह हमको मार्क करना है। देखिए देखिए तो होल करने से पहले हमको मडगार्ड को खोलना पड़ेगा। देखिए मडगार्ड जो है इसे हम खोलना पड़ेगा। देखिए मडगार्ड खोलने के लिए हमको यहाँ पर वैसे इधर, फिर यहाँ पर सेम वैसे उस तरफ
खोलेंगे और मार्क कर देते हैं ड्रिल करने से पहले। कॉल चूज करो, देख थोड़ा सा, यस वैसे इधर भी एलन किसे खोलेंगे। देखिए घूम रहा है, इसे हम पकड़ना पड़ेगा। बाहर निकलने का हमको जरूरत नहीं है, इसे हम ड्रिल करेंगे उसे। और उसका जो साइज का ड्रिल बिट ये है, देखिए थोड़ा बहुत बड़ा है, उतना बड़ा होना चाहिए, बस ये हो जाएगा। तो इसे हम ड्रिल करेंगे। ये ड्रिल मशीन मेरे पास है पहले से, ये बोश कंपनी का स्किल का है, बहुत साल से इसे यूज कर रहा हूँ मैं। दोस्तों उसके नीचे कुछ कपड़ा रखेंगे ताकि टायर का और मटगाड़ के बीच में डिस्टेंस हो, ताकि कुछ टायर में कुछ होल ना हो सके। तो चलिए ऐसे ऊपर करके ऐसे रखेंगे, थोड़ा पकड़ेंगे बस। दोस्तों देखिए होल कर चुके हैं, अभी इसे फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर इसे सब टाइट करना पड़ेगा, तो पहले फिट कर देते हैं। फिट कर चुके हैं लाइन को ऊपर लाइन, तो कैसा रहा बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।